सो so, अगर हम अपनी लैंग्वेज को और ज़्यादा आसान हमारे लिए शुरू में है अपनी वर्बल लैंग्वेज को लफ्ज़ों को चेंज कर दें रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह तो अगर हम लफ्ज़ों को चेंज कर दें तो उसका इम्पेक्ट हमारी जहनी हालत पर भी तो होना चाहिए क्योंकि हमारी जहनी हालत रिफ्लेक्ट हो रही है लफ्ज़ों से अगर हम खुश हैं तो हम लफ्ज़ी ऐसे बोल रहे हैं जो हमें दुनिया के आगे खुश पेश कर रहे हैं अगर हम डिप्रेस हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स ही ऐसे हैं कि वो हमें दुनिया के आगे डिप्रेस्ड फॉर्म में पेश कर रहे हैं तो अगर हम हर वक्त तो हम अपने हालात नहीं चेंज कर सकते हर वक्त तो हम इवेंट्स कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनको भुलाए नहीं जा सकते कुछ हालात ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं हैं so सो फिर हम किस तरह अपनी स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करें तो इसमें बिहेवियरल साइंटिस्ट ने जो सजेस्ट किया है दैट इज दैट वी चेंज आर वैकेबलरी वी चेंज द वर्ड्स विच वी स्पीक एंड अटर एंड बाय द फोर्स बाय द पॉजिटिव फोर्स ऑफ दोज वर्ड्स आर स्टेट ऑफ माइंड विल बी चेंज इन द लॉन्ग रन क्योंकि हमने इंटेंशनली अपना जिंदगी का जो कैनवस है या जिंदगी की जो हमारी तस्वीर है हम उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं हम उसे एक डिप्रेस्ड स्टेट से एक एनर्जेटिक और एक खुश स्टेट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं कोशिशों में से एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा लैंग्वेज है तो अगर हम अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करना शुरू कर दें वकीबलरी को कंट्रोल करना शुरू कर दें तो क्या ये मुमकिन नहीं कि हम अपनी स्टेट ऑफ माइंड पे कंट्रोल हासिल कर लें एंड एक्सपीरियंस एंड रिसर्च हैज़ शोन दैट इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट पॉजिटिव वर्ड्स एंड पॉजिटिव वोकेबलरी या लेस टॉक्सिक वकीबलरी हैज़ अ गुड इफ़ेक्ट ऑन आर स्टेट ऑफ माइंड क्योंकि अगर हम यूज़ टू ही सख्त लफ्ज़ यूज़ करने के हैं नेगेटिव लफ्ज़ यूज़ करने के हैं हैविली इमोशनली लोडेड लफ्स यूज करने के हैं तो फिर हम अपने स्टेट ऑफ माइंड को कॉन्स्टेंटली स्टिमुलस दे रहे हैं कॉन्स्टेंटली इनक्रेज कर रहे हैं टू एडोप्टैट स्टेट ऑफ माइंड विच आर वर्ड्स आर प्रोजेक्टिंग सो इसमें आई विल आज की इस गुफ्तू में कुछ तो मैं आपको एग्जाम्पल्स पेश करूँगा हाउ कैन वी रिफाइन आवर वकीबलरी हाउ कैन वी इम्प्रूव आर वकेबलरी और वर्ड्स हम कौन से वर्ड जो हैं हम ना बोलें और उनकी जगह क्या बोलें इंग्लिश में भी हम मोस्टली एग्जाम्पल्स देंगे उर्दू में भी आई विल ट्राई टू गिव सम एग्जाम्पल्स टू यू सो दैट बाय डाउन प्लेइंग दी दी टोन ऑफ दैट वर्ड और बाय डिक्रीजिंग द नेगेटिविटी ऑफ दैट वर्ड वी एक्चुअली आर ट्राइंग टू डिक्रीज दी नेगेटिविटी इन आर स्टेट ऑफ माइंड सो दैट वी रिमेन हैप्पी सो दैट वी रिमेन कॉन्टेंट एंड

हम इस रिलेशनशिप की बुनियाद को समझते हुए वी आर ट्राइंग टू चेंज इट फ्रॉम आइदर हेयर और देयर सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना इतना आसान नहीं क्योंकि उसके लिए जैसे मैंने पहले अर्ज किया हालात चेंज करने पड़े हर हालत या हालात या सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं तो जो हमारे कंट्रोल में है वी स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड लेट्स सी सम एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल अगर हम वर्ड बहुत बोलते हैं अफ्रेड आई एम अफ्रेड टू डू दिस आई एम अफ्रेड टू टेक अ रिस्क आई एम अफ्रेड टू जॉइन अ न्यू ग्रुप अब अफ्रेड इज अ वर्ड विच यू नो इज़ अगेटिव वर्ड अगर हम इसको अफ्रेड की बजाय अनकम्फर्टेबल कह दें तो फिर वही जो अफ्रेड के साथ फीयर का एलिमेंट इन्वॉल्व है जो हमारा इमेज अफ्रेड से पड़ता है वो अनकम्फर्टेबल से नहीं पड़ेगा अफ्रेड से हमारा इमेज पड़ता है फी से आई एम अफ्रेड ऑफ डूइंग दिस या आई वॉज अफ्रेड वैन आई सॉ दिस और एज़ कम्पेयर टू वन वी से आई वॉज़ अनकम्फर्टेबल वन आई सॉ इट इन दोनों में बहुत फ़र्क है अफ्रेड से खौफ का एलिमेंट डर का एलिमेंट हमारी वीकनेस नुमाया होती है अनकम्फर्टेबल से ये ज़रूर ज़ाहिर होता है कि हम कोई खुश नहीं थे जो हमने देखा या सुना बट इट डिड नाट क्रिएट अ फीलिंग ऑफ फियर इनस तो अफ्रेड को अगर हम चेंज कर दें अनकम्फर्टेबल से या जैसे खौफ ज़दा होने को हम चेंज कर दें बेचैन लफ से तो और हम अपनी लैंग्वेज से ये वर्ड कम कर दें अफ्रेड इसको वहीं यूज़ करें जहां पर ये इसका इस्तेमाल बिल्कुल मेरिट पे हो जहाँ वाकई हम खौफसुदा हैं या वाकई कोई चीज़ ऐसी है जिसे हमें खौफजदा होना चाहिए तो हम इसे यूज़ करें लेकिन जनरली जब हम अफ्रेड फियर बहुत ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ करते हैं इट रिफ्लेक्ट्स आर स्टेट ऑफ माइंड सो चेंजिंग अफ्रेड टू अनकंफर्टेबल इज़ वन एग्जाम्पल इसी तरह मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स पेश करूंगा जो लफ्जों को डाउन टोन कर देंगी या उनको कुछ न्यूट्रल बना देंगी जैसे एंक्शस लफ्स काफ़ी इस्तेमाल होता है हमारी कम्युनिकेशन में वी चेंज इट टू अब अगर फर्ज करें मैंने कहना है आई वॉज वेरी एंक्स यर्स टडे बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन इफ आई से आई वॉज एटल कंसर्नड योडे बात तो तकरीबन वही बिकॉज एंगजाइटी क्यों होती है किसी कंसर्न की वजह से सो वो चीज़ तो रिटेन रही कि आई वॉज ए लिटल कंसर्नड लेकिन वो जो एंगजाइटी वर्ड के साथ नेगेटिविटी की कॉनोटेशन अटैच हैं वो लिटिल कंसर्न के साथ नहीं है लिटिल कंसर्न मीन्स कि आपके कंट्रोल में फिर भी चीज है लिटिल कंसर्नड है ना एंगजाइटी लुक्स एज इफ यू नो एक्शियस मीन्सूड डू एनी थिंग वो रिएक्टिव वर्ड है लिटिल कंसर्न जरा प्रोएक्टिव वर्ड है कन्फ्यूज कॉमनली हम यूज़ करते हैं मुझे ये समझ नहीं आ रही आई एम कन्फ्यूज नाउ वी आर टेलिंग पीपल कि मुझे मेरा स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है और अगर हम कन्फ्यूज की ही कन्फ्यूज में क्या होता है हमें वाकई एक चीज़ की समझ नहीं आ रही होती आउट ऑफ टू और थ्री और फोर इनफैक्ट वी वॉन्ट टू नो इट तभी तो हम कन्फ्यूज़ होते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली हम कन्फ्यूज तो नहीं क्यूरियस होते हैं टू नो मोर सो वी वी चेंज दैट कन्फ्यूज टू क्यूरियस वी आर सेंग द सेम थिंग बट इन अ वेरी वेरी डिफरेंट मैनर इसी तरह डिप्रेशन वर्ड हम बहुत यूज करते हैं आई वॉज डिप्रेस यस टूडे कल मैं बहुत डिप्रेस था इसकी जगह अगर हम ये कहें तौँ 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 ये स्टडे आई वॉज नॉट ऑन टॉप ऑफ माई सेल्फ तो ये काफ़ी फ़र्क है चीज़ वही है बिकॉज डिप्रेशन में वी आर एक्चुअली नॉट ऑन टॉप ऑफ आवर सेल्फ वी आर नॉट वी कांट गिव आवर बेस्ट वैन वी आर डिप्रेसड सो वी आर नॉट ऑन टॉप ऑफ आवर सेल्फ तो हम ये कहते हैं कि जी कल मैं डिप्रेस था इसकी जगह अगर हम ये कह दें कि कल अब उर्दू में थोड़ा टाइम लगेगा मेरे जहन में कुछ चीज़ आए ऑन टॉप ऑफ इट होने पर लेकिन आई एम श्योर यू हैव गॉट द मीनिंग्स बट आई ट्राई आई एम ट्राइंग टू टेल यू इसी तरह डिस्ट्रॉयड या डिस्ट्रॉय करना या तबाह करना एक्सट्रीमिस्ट वर्ड है कि आई वॉज माई बिजनेस गॉट डिस्ट्रॉयड या माई लाइफ गॉट डिस्ट्रॉयड ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअली डिस्ट्रक्शन जो वर्ड बता रहा है तबाही वो उतनी ही तबाही आई हो लेकिन अगर हम ये कहते रहेंगे कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई तो हम अपने माइंड में कंटिन्यूसली ये फीड कर रहे हैं कि मैं तबाह हो चुका हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं रहा तो अगर हम डिस्ट्रॉयड की जगह वर्ड सेट बैक यूज करके तो वो बता तो वही चीज रहा है लेकिन टोन डाउन कर दिया उसने के बजाय ये कहने के मैं तबाह बर्बाद हो गया हम हमें कहेंगे मुझे नुकसान पहुंचा सो सेइंग द सेम थिंग बट नाउ सिंस वी आर यूजिंग अ डिफरेंट वर्ड और वो वर्ड हम कंटिन्यूसली जब डिफरेंट यूज करेंगे तो वाकई हम तबाही और नुकसान के फर्क के बराबर ही फर्क हमारी स्टेट ऑफ माइंड पे पड़ेगा क्योंकि गौर किया जाए तो तबाही में और नुकसान में बहुत फर्क है द बाई इज समथिंग विच इज़ यू नो इरिपेरेबल डैमेज एंड नुकसान इज समथिंग विच वी कैन ऑलवेज रीमेक अगेन सो इट गिव्स अस अ चांस इट गिव्स अस अ होप आर लैंग्वेज गिव्स अस अ होप बिकॉज हमारे पास अपने आप को एक्सप्रेस करने का सो लैंग्वेज की और कोई तरीका भी नहीं हम बुरी तरह से डिपेंडेंट हैं वर्ड्स के ऊपर टोटली डिपेंडेंट ऑन दैम वी येस वी एक्सप्रेस आर सेल्स थ्रू आर एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज हम करते हैं लेकिन अगर हम कोई चीज़ लिख रहे या हम सिर्फ कुछ ही रिकॉर्ड करवा रहे हैं आवाज़ के ज़रिए या अक्सर लोग तो लफ्ज़ भी सुनेंगे या हम बोल रहे हैं तो फिर हमारी सारी की सारी जो डिपेंडेंसी है वो हमारे वर्ड्स के ऊपर जैसे मैंने पहले कहा कि फ़ाइन रिसर्च हैज़ शोन दैट सिक्सटी टू नाइन्टी परसेंट ऑफ पीपल एक्चुअली लुक एट बॉडी लैंग्वेज फ़ाइन लेकिन वो वंस दे लुक एट इट उसके बाद तो वो लफ्ज़ ही सुनते हैं ना एक दोनों ने देख लिया ठीक है बॉडी लैंग्वेज तो लुक्स फाइन ना देर लिसन टू आर वर्ड्स एंड इफ दे रिपीटेडली वी आर स्पीकिंग वर्ड्स विच आर इधर टू हैविल इमोशनल और टू नेगेटिव और टू लोडेड तो फिर हमारा इम्पैक्ट वो नहीं बनेगा जो बनना चाहिए इसी तरह हम लफ्स डिसअपॉइंटेड बहुत बोलते हैं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद योर परफॉर्मेंस आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस ऑर्गनाइजेशन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद माई फैमिली तो नाउ उम्मीद डिसअपॉइंटेड को भी हम अंडरटोन कर कर सकते हैं हम अंडर वेलम्ड इज़ अ गुड यू नो फ्रेज़ और गुड वर्ड टू यूज़ इट जैसे हम ओवरवेलम्ड हो जाते हैं कई दफ़ा ये चीज़ें जब हम पाँच छः दस काम कट्ठे हमारे सामने आ गए वी गॉट ओवरवेलम्ड तो डिसअपॉइंटेड इज हम अंडरवेलम्ड हो जाते अंडर एक्साइटेड हो गए डिसगस्टेड नेगेटिव वर्ड तो हम टोन डाउन कर सकते हैं टू सरप्राइज क्योंकि एक्चुअली जब हम डिसगस्ट में जाते हैं तो हम हैरानी होते हैं लेकिन अगर हम उस हैरानी को हैरानी तक ही रहने दें और डिसगस्ट तक या अपनी एक्सट्रीम जो नेगेटिव फीलिंग है वो एक्सप्रेस ना करें तो हमें वो फीलिंग एक्सट्रीम नेगेटिव लगेगी भी नहीं या काइंडली इसको प्रैक्टिकली करके देखें एंड देन यू विल सी द डिफरेंस देन यू विल नोटिस द डिफरेंस इसी तरह वर्ड ड्रेड इट वाज अ ड्रेडफुल एक्सपीरियंस और ड्रेड क्या है खौफ तो जब हम ये यूज करेंगे बार बार वर्ड ड्रेड तो हमारी मेंटेलिटी फिर खौफ में दबी हुई सप्रेस्ड फील होगी और एक्चुअली हो भी जाएगी सो so, ड्रेड को हम एक्सचेंज कर देते हैं विद वर्ड चैलेंज बजाय ये कहेंगे कि इट वाज अ ड्रेडफुल एक्सपीरियंस वी विल से इट वाज अ चैलेंजिंग एक्सपीरियंस अब चैलेंजिंग में कंट्रोल हमारे पास है ड्रेडफुल में नहीं ड्रेडफुल में कंट्रोल उन इवेंट्स उन अशखास उन हालात के पास है जिनकी वजह से हमें वो ड्रेडफुल लगा वेयर एज चैलेंजिंग में वी आर इन अ पोजिशन जहाँ हम भी कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमें चैलेंज मिला इसी तरह री इंबेरस्ड आई गॉट एम्बैरस्ड अगेन हम अपनी दूसरों को दे रहे हैं वीकनेस बता रहे हैं इंबेरस में क्या होता है वी बिकम एक्यूटली अवेयर ऑफ आर सर्कमस्टेंसेज टू दैट वी बिकम हम या ब्लश कर जाते हैं या हम घबरा जाते हैं सो इफ वी यूज द फ्रेज और वर्ड अवेयर इंस्टेड ऑफ एम्बेस काफी फर्क इसमें पड़ जाए इसी तरह हम कहते हैं कि आई एम एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड से हमने एक समझे फुल स्टॉप लगा दिया कि अब इसके बाद सिंस आई एम एग्जॉस्टेड तो अब तो मैं मेंटली और फिजिकली कुछ भी नहीं कर सकता तो अगर हम आराम भी करें बैठें और साथ हम ये कहें कि मैं एग्जॉस्टेड हूँ और हम ये कहें कि आई एम रीचार्जिंग माई सेल्फ तो दोनों में बहुत फ़र्क एग्जॉस्टेड का मतलब ये है कि अब पता नहीं मैं दोबारा कब काम करने के हालत में हूँगा रीचार्जिंग का मतलब यह है कि द ब्रेक विच आई एम टेकिंग इज़ एक्चुअली आई एम टेकिंग इट बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट सम रेस्ट सो दैट आई गेट रीचार्ज टू स्टार्ट डूइंग वट एवर आई वॉज डूइंग बिफोर उसमें भी एक्टिविटी प्रोएक्टिवनेस हमारे कंट्रोल में है हमारे हाथ में है एग्जॉस्टेड में नहीं है सिमिलरली लफ्स हम बहुत यूज़ करते हैं फेलियर अब इसमें डिक्शनरी की जो पावर है वोकेबलरी की पावर है उसमें मुझे काजाज महम्मदली जनाह का एक कोट याद आता है जब मैं उन्होंने फरमाया कि फेलियर इज़ अ वर्ड अन नोन टू मी उन्होंने कहा फेलियर वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है और इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस कमिटमेंट एंड कन्विक्शन दैट ही कुड डू समथिंग विच नो बडी कूड हैव थाट पॉसिबल द गेटिंग इंडिपेंडेंस आउट ऑफ द ब्रिटिश राज गेटिंग इंडिपेंडेंस आउट ऑफ द मेजोरिटी हिंदू पीपल उन्होंने कहा फेलियर वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं तो अब ये कह देना एक फ़र्क एक आम चीज़ है लेकिन फिर उसे करके भी दिखाना वो इसलिए कर सके बिकॉज फेलियर वर्ड उन्होंने अपनी डिक्शनरी में निकाल दिया तो अगर हम भी फेलियर को बजाय ये कहें आए फेल्ड टू अंडरस्टैंड इट या ये मेरी नाकामी है ये मेरा ये फेलियर है अगर हम ये कहें कि मेरे लिए एक्चुअली लर्निंग है सो ना यू सी दैट दी होल कॉनोटेशन ऑफ फेलियर हैज चेंज टू लर्निंग लर्निंग अगेन इज समथिंग विच इज़ इन योर हैंड्स जहाँ आपकी अपनी पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है फेलियर में वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कैन गॉट कन्विंस यू हैलरेडी एडमिटेड देल्ड वहाँ दूसरी सिचुएशन में जहाँ आपने लर्निंग कहा वहाँ आपने फेलियर को एडमिट नहीं किया वहाँ आपने ये कहा कि फाइन मेरे से नहीं हो रहा बट आई एम लर्निंग टू डू इट इसी तरह फियर है वर्ल्ड उसको हम फियर को खौफ को अगर हम चेंज कर दें वंडरमेंट में तो वो एक नया पहलू हमारे आगे खोल देती है अगेन लर्निंग का खौफ में क्या होता है खौफ में बेसिकली तो हम हैरानी हो जाते हैं ना एक्सट्रीम ऑफ सरप्राइज़ है या वंडरमेंट है सरप्राइज से ज़्यादा वंडर का एलिमेंट है उसमें सो so,

बेहतर तौर पे यूज़ कर सकते हैं अगर हम चैलेंज कहें कि दिस इज़ अ फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस की बजाय हम ये कहें कि दिस इज़ अ चैलेंजिंग एक्सपीरियंस तो वो बात बदल जाती है इसी तरह ह्यूमिलिएटेड आई गॉट ह्यूमिलिएटेड या इट वॉज अलिएटिंग एक्सपीरियंस तो हम ये कहें कि इट वॉज़ अनकम्फर्टेबल एक्सपीरियंस तो उसमें वो जो ज़िलत का पहलू या ह्यूमिलिएशन का पहलू है वो कम हो जाएगा अनकम्फर्टेबल इज़ मोर लाइक अ न्यूट्रल वर्ड आई गॉट हर्ट या हर्ट वर्ड हम यूज जब करते हैं या इमोशनली हर्ट हो गया तो हर्ट को हम अगर चेंज कर दें बॉदर्ड से आई वॉज बॉदर्ड अब वो जो हर्ट में तकलीफ कर्ब और हमारी अपनी मेंटल स्टेट रिफ्लेक्ट होती है लॉस की वो बॉदर्ड में नहीं आती बॉर्ड इज अगेन समथिंग विच गॉड आर अटेंशन विच गॉट अज थिंकिंग विच गॉड इज गोइंग इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग बट इट डज नॉट नेसेसरली मीन्स दैट द एंड विल बी अ हर्ट वेर एज इन हर्ट वी हैलरेडी कंसीड दैट वी गॉट हर्ट फिजिकली मेंटली इमोशनली इसी तरह कॉमन फ्रेज आई हेट डूइंग दिस आई हेट डूइंग दैट जब हम ये कहते हैं आई हेट डूइंग उसका मतलब ये होता है कि मुझे ये करना पसंद नहीं तो पस, नापसंद करने में और नफरत करने में बहुत फ़र्क है तो इफ़ वी से आई डोंट प्रेफर डूइंग दिस तो वो हम बात वही कह रहे हैं कि आई हेट में क्योंकि हम वो करना नहीं चाह रहे जिस तरह उर्दू में कोई कहे कि मुझे ये काम पसंद नहीं ये एक बड़ी न्यूट्रल सी बात है बजाय इसके कोई ये कहे कि मुझे इस काम से नफ़रत नफरत वर्ड ही आपकी एक्सट्रीमिज्म और आपकी स्टेट ऑफ माइंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है नापसंदीदगी मिडल ऑफ द वे है मिडल पाथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है इसी तरह इम्पेश काफ़ी यूज़ होता है वर्ड इमपेशन क्या है बेसब्री क्या चीज़ बेसिकली जब हम बेसब्री से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं वी आर एंटीसिपेटिंग वी आर वेटिंग सो बजाय ये बोल लेंगे ही वॉज वेटिंग फॉर इट वी कैन से दैट ही इमपेशन सेटिंग इट ईगरली तो इसमें वो इमपेशनस में जो सब्र की कमी है वो ईगरनेस में वो शौक़ की ज्यादा बन जाती है तो इस तरह अल्फाज और फ्रेजेस तब्दील करने से बदलने से कोशिश हम ये कर रहे हैं कि हम अपनी इस जाहरी लैंग्वेज को भी चेंज करें और जो हमारी अंदर की लैंग्वेज है बातनी इन साइड लैंग्वेज विच इज इन फैक्ट आर माइंड स्टेट ऑफ माइंड उसको हम रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो जब वर्ड पॉजिटिव होंगे तो फिर स्टेट ऑफ माइंड भी शायद पॉजिटिव बन जाएगी इसी तरह इनसिक्योर वर्ड हम काफी यूज करते हैं